दुनिया भर की ताजा अपडेट्स के लिए न्यूज 89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से भाजपा जिला पटियाला देहाती उत्तरी प्रधान पद को लेकर चल रहा चर्चाओं का बाजार आज समाप्त हो गया। आज यहां के अंबाला नेशनल हाईवे पर बने पंजाबी चूल्हा रेस्टोरेंट में रखी गई जिला प्रधान पद को लेकर एक बैठक में आज सर्वसम्मति से विकास शर्मा घनौर को भाजपा जिला पटियाला देहाती उत्तरी का प्रधान चुन लिया गया। जिक्र योग है कि जिला प्रधान पद की दौड़ में कुल 7 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे थे, जिनमें नरेंद्र नागपाल, अशोक चक्रवर्ती, श्याम सुंदर वधवा, संजीव मित्तल, विक्की शर्मा घनौर, जरनैल सिंह हैप्पी व संदीप जिंदल शामिल थे, जिसके संबंध में आज 1 बजे यहां के अंबाला नेशनल हाईवे पर बने पंजाबी चूल्हा रेस्टोरेंट में प्रधान बनाने के लिए वर्करों व भाजपा के बड़े नेताओं की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रधान पद की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव अधिकारी डॉक्टर परविंदर शर्मा व प्रदेश भाजपा महासचिव प्रवीण बांसल विशेष तौर पर यहां पहुंचे। प्रधान बनाने को लेकर काफी देर तक बैठक चलने के बाद सर्वसम्मति से विकास शर्मा घनौर को भाजपा जिला पटियाला देहाती उत्तरी का प्रधान ऐलान दिया गया। जैसे ही विकास शर्मा घनौर को हाई कमान की ओर से जिला प्रधान ऐलाना गया, उसी समय भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और समर्थकों द्वारा जहां विकास शर्मा का मुंह मीठा करवाया गया, वहीं विकास शर्मा के कट्टर समर्थक गोल्डी भटोनिया व अन्य समर्थकों द्वारा आतिशबाजी कर ढोल पर खूब नाच किया गया। इस मौके पर न्यूज 89 की टीम द्वारा जहां चुनाव अधिकारी डॉक्टर परविंदर शर्मा से बात की गई, वहीं क्या कहना था प्रदेश भाजपा महासचिव प्रवीण बंसल व नए बने जिला प्रधान विक्की शर्मा का, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी दुनिया दी सारियां राजनीतिक पार्टियां चों सब तो बड़ी पार्टी है। इस लोकतंत्र दी रक्षा दे लई भारतीय जनता पार्टी ने जिथे अलग अलग टाइम च कुर्बानियां दित्तियां, जेलां कट्टियां, उहदे नाल नाल अपने संगठन दे अंदर भी लोकतंत्र नूं मजबूती देण वास्ते हमेशा उसकी पालना की है। अज पटियाला नॉर्थ के अंदर उस संगठनात्मक चुनावों उस प्रक्रिया नूं पूर्ण करते हुए साढ़े इस इलाके दे प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा जी ने जेडे कि चुनाव अधिकारी है उन्होंने वो प्रक्रिया पूरी की, उसनों पूरी करते हुए अज चुनावों के अंदर टोटल 7 कैंडीडेटा ने अपने नॉमीनेशन फाइल किए, उन्होंने 6 ने वापस ले ते 7वां श्री विकास जी पटियाला नॉर्थ दे लोकतंत्र दी रखे वाली पार्टी दे इस जिले दे प्रधान चुने गए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिथे आम आदमी फर्श तो लेके अर्श तक दा, जमीन तो लेके आसमान तक दा सफ़र तय करता है, जिहड़ा अपनी जिम्मेदारियां समाज दे प्रति, पार्टी दे प्रति, देश दे प्रति ईमानदारी नाल निभांदा है, पार्टी उन्हों हमेशा कई गुना करके वापस करती है। अज इस इलाके की जिहड़ी जिम्मेदारी है विकास जिते आई है, सानू आस है कि वह पार्टी का कम करते हुए इस इलाके के हर महल के अंदर हर दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचारों लैके जाएंगे, उन्होंने पहुँचाएंगे। अज बहुत खुशी का मौका है कि साढ़े बहुत ही नौजवान ते ऊर्जावान पार्टी के कार्यकर्ता विकास शर्मा विक्की जी घनौर तो यूनैनिमसली, क्योंकि 7 बंदियां ने फॉर्म भरे से 6 ने विदड्रॉ कर ले ते यूनैनिमसली ये चुने गए हैं। सर्वसम्मति साड़ी पार्टी च आम तौर पर होंदी है और पूरा इन्हों हाई कमांड का साढ़े इतों के ऑबजरवर
मेरे साथी महामंत्री श्री प्रवीण बंसल जी और मैं असी पूरी प्रक्रिया च लंघे हैं। कल असी पूरियां आवाज़ां मार मार के सब नूं कहा कि कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अगर जिला अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो अपना पेपर फाइल कर सके। सो सत कार्यकर्तावां ने फॉर्म भरे सीगे। मैं हाँ संदीप चौधरी ते तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना वैब न्यूज़ चैनल न्यूज़ 89 पंजाब। अज असी खड़े हाँ पंजाबी चूल्हा जिथे कि जिला प्रधान की चोण सीगी ते देखा जा रहा है कि विकास शर्मा जिहड़े कनौर तो कई बार पार्षद भी रह चुके हैं वह जिहड़े हैं जिला प्रधान बन चुके हैं। साढ़े नाल मौजूद है विकास शर्मा जी, आपां उन्हां नाल गल करदे हां। उन्हां नूं किस तरह महसूस हो रहा है, किस तरह उन्हां नूं खुशी जाहिर हो रही है, किस तरह इस टाइम खुशी महसूस कर रहे हैं जिला प्रधान बन के, क्योंकि छोटी जी उम्र तो राजनीति शुरू करके अज जिला प्रधान ते आके ये जिला प्रधान बने हैं ते बड़ी समर्थकां च खुशी पाई जा रही है। विकास जी की कहना चाहोगे? सब तो पहला मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का धन्यवाद करदा, साढ़े प्रदेश अध्यक्ष श्री श्वेत मलिक जी का जिन्होंने मेरे ते विश्वास जताया है, मैनू पटियाला नौरत दे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिती है। खुशी हुण तुसी सवाल पुछिया कि खुशी किदां दी, खुशी तां हुंदी है पर एक डर भी है क्योंकि मैं जिवें आपां कह सकदे हां पहली बार जिला अध्यक्ष बने हां ते ऐ भी चलो मैं आस भी रखदा तो थोड़े प्रैस वाले भरावां तों भी ते सारे मेरे कार्यकर्ता साहिबान तों भी कि उन्हां दा सहयोग हमेशा रहूगा ते मैं अपने वल्लों कदी भी कोई कमी नहीं आन नहीं दूंगा। सारे वर्कर ही प्रधान होणगे, मैं कल्ला प्रधान नहीं, सब नूं नाल लेके चलांगे। जिहड़ा इह सफर है किस तरह शुरू होया अज जिला प्रधान तुसीं बणे? इह 2005 दे विच साढ़े शाखा लगती है कनौर लगती सी, जदों मैं कदे कदे शाखा दे विच जांदे सी, RSS दी शाखा साढ़े लगती सी हिंदू धर्मशाला कनौर विच। उस तो बाद 2006 दे विच मैं थोड़ा एक्टिव होया, 2006 दे विच मैं युवा मोर्चा का एक वर्कर दे नाते मैं शुरुआत की। फिर 2007 दे विच जदों राज खुराना जी भारतीय जनता पार्टी दे विच आए हैं, उन्होंने इत्थों चुनाव लड़िया राजपुरे तो BJP तो, तां उन्होंने मेरी वर्किंग देखी, उन्होंने काम करन दा मेरा पार्टी का जो तरीका वह देखा, उन्होंने युवा मोर्चा मैनू कनौर का प्रधान बनाया 2007 दे विच। उस तो बाद फिर ये सफ़र चलता रहा पार्टी की सेवा करते रहे ते अज मैं धन्यवाद करदा पार्टी का जिन्होंने मैनू जिला प्रधान बना के एडा माण बख्शे। ये विकास शर्मा की दा बूटा लाया होया जिहड़ा कि अज जिला प्रधान बने? ये भारतीय जनता पार्टी के बूटे हैं जी, पार्टी ने इसे तक आशीर्वाद होंगे किसी वड्डे नेता का आशीर्वाद होंगे उरे तक पहुँचाण, जिन्हां के पिछे लोग दरियां बिछाते हैं सब कुछ करते हैं, अज वो पार्टी जिहड़ी मान सत्कार दिंदी है। किहड़े इहो जे शख्स जिन्होंने तुहानूं अज इस देखो भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि इस दे विच व्यक्ति विशेष कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी पार्टी ही साड़ी माँ है, पार्टी की बदौलत मैं उरे तक पहुँचा। पर हाँ मैं साडे भाजपा के एक सीनियर नेता श्री कमल शर्मा जी उन्होंने बहुत उन्होंने कमी महसूस कर रहे हैं ते श्री राज खुराना जी उन्होंने भी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। जे दो नेता अज इत्थे होंदे तां उन्होंने बड़ा खुशी होनी सी, उन्होंने बड़ा चाह चढ़ना सी कि विक्की अज जिला प्रधान बने। ये जिहड़ी जिला प्रधान की जिहड़े अहुदा हैगा जिहड़ा पद हैगा बड़ा एक वड्डा पद है, हुण तुसीं जिहड़ा है किस तरह सारे नूं इकट्ठा करके एक मंच ते, क्योंकि अगे MC दे चुनाव भी आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है बड़ा औखा है, किस तरह तुसीं देखदे हो इस चीज़ नूं, किस तरह करोगे? मैं थोनों एक गल कहनी चाहवांगा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह ना किसी अगे डरदा ते ना ही किसी अगे झुकदा, असी इमानदारी नाल अपना काम किया है, इमानदारी नाल काम करांगे ते आने वाले जो चुनाव ने नगर कौंसल दे असी वह भी धड़ल्ले नाल जितांगे। साढ़े नाल जिहड़ा है मौजूद है इस टाइम विक्की जी दे दोस्त जिहड़े नाल इन्हां दे राजनीति च चलदे आ रहे हैं ते अज बड़ी खुशी जिहड़ी है महसूस कर रहे हैं उन्हां दे जिला प्रधान बनन ते, कल दा जिहड़ा है ये उत्साह चल रहा सी कि विक्की जी जिहड़ा है जिला प्रधान बनणगे, किस तरह दा महसूस कर रहे हो सर? तुहाडा बहुत वधिया है ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਨੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਉੱਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ। इस मौके पर न्यूज 89 द्वारा पूर्व जिला प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल से भी बात की गई। इस मौके पर उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। असि इस तरह हैगा जिहड़ा साडा संगठन का चुनाव हुंदा हर 3 साल बाद हुंदा हैगा और मैनू पार्टी वालों 2 टर्मां की जिम्मेवारी पहले दी गई है,
और असी सारिया ने सर्वसम्मति नाल कल ही असी पार्टी नूं एक अख्तियार देता सीगा कि असी सत्त लोग जिहड़े विच आए थे। मैनू पार्टी वालों दो टर्मां की जिम्मेवारी पहला मिलने करके हुण किसे अगे किसी भी कार्यकर्ता नूं जिम्मेवारी देनी सी पार्टी ने, पर साडी पार्टी वालों साडे कार्यकर्तावां वालों जिन्हें भी साडे कैंडीडेट सीगे उन्होंने सारिया ने लिख के विड्रॉल फार्म करके विकास शर्मा के हक के कल्ले दे कोई इलैक्शन वाली गल नहीं सी, असी बिल्कुल सारिया ने सहमति जताई है भी जो पार्टी हाईकमांड निर्णय करेगी सानू मंजूर है। और पार्टी हाईकमांड ने विकास शर्मा जी नूं जिला प्रधान की जिम्मेवारी दिती है 3 साल वास्ते, बहुत खुशी की गल है। और मेरा छोटा भरा है विक्की शर्मा, असी उहदे नाल पूरा सहयोग करके चलांगे। पार्टी हर 3 साल बाद किसी ना किसी जिम्मेवारी दिंदी है, पर मैं बड़ा खुशकिस्मती हाँ कि मैनू पार्टी ने फिर भी 2 टर्मां की जिम्मेवारी दिती और मैनू उम्मीद है कि मैनू पार्टी अगे भी कोई होर वड्डी जिम्मेवारी देगी। राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 89।